Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is derivative of parametric functions. So let's see the course outcome. Calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. So what are the learning outcome? So after watching this video, you will be able to know what is the derivative of parametric function and how to solve examples based on it. आप सभी आज का ये वीडियो देखने के बाद में पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है और हमें उसके ऊपर डिपेंड एग्जांपल्स को किस तरह से सॉल्व करना है या फिर पैरामेट्रिक फंक्शन अगर है और डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करना है ये अच्छे से समझ में आ पाएगा आप सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है पैरामेट्रिक फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये टॉपिक कवर किया है। आज हम एक न्यू कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं फिर से, वो है पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, तो पैरामेट्रिक फंक्शन ये समझने के लिए सब में पहले आपको समझना होगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसके बाद ही आप उसका यूज़ करते हुए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। क्या होता है यहाँ पर, कोई भी अगर दो वेरिएबल रहते हैं, ठीक है, अभी तक हमारे पास किस तरह का फॉर्म था, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ था सिर्फ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह का एक ही फंक्शन हमारे पास अभी तक था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, x और y ये दोनों भी क्या रहेंगे, एक और थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस किए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी, ठीक है। तो इस तरह के जो टर्म्स रहेंगी, जहाँ पर कोई दो वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के लिए एक और वेरिएबल यूज़ किया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, उस तरह के फंक्शन को, उस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। सिंपल वे में फिर से समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ पर कोई भी दो वेरिएबल रहेंगे, उन दोनों वेरिएबल को किसी एक तीसरे वेरिएबल के साथ में एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है, और उस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाय डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर, डी वाई बाय डी एक्स। लेकिन अभी यहाँ पर एक्स जो है उस वो कौन सा फंक्शन है, उसका फंक्शन है एफ ऑफ टी का। तो अगर हम x का डेरिवेटिव निकालना रहेगा तो हम किस तरह निकाल पाएंगे, डी एक्स बाय डी टी। ओके, इस तरह से हमें एक टर्म मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाय डी टी, यहाँ से भी हमें एक टर्म मिल जाएगा। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स। y कहाँ पर है, ऊपर न्यूमरेटर में। तो देखिए, तो इसलिए पहले कौन सा टर्म आएगा, y का dy by dt डिवाइडेड by dx by dt, ठीक है। x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर यहाँ पर dy by dx फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे dy by dt डिवाइडेड by dx by dt।
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जो डी टी वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, ओके कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा डी वाई बाय डी एक्स, ओके ये डी टी और डी टी कैंसिल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या बचा डी वाई बाय डी एक्स ही रहा, ओके तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास कोई दो वेरिएबल है और उनका फंक्शन किसी और तीसरे वेरिएबल के साथ में रहेगा तब। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू 3a t² एंड वाई इक्वल टू 2a t³। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x एंड y, ओके तो यहाँ पर एक और थर्ड वेरिएबल भी है, वो है वेरिएबल t, ओके तो जो थर्ड वेरिएबल है हमें क्या करना है, हमें उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा पैरामेट्रिक फंक्शन में, क्या रहेगा कि आपके पास हमेशा दो वेरिएबल रहेंगे, ओके वो दो वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के लिए एक और वेरिएबल रहेगा, दर्शाने के लिए उन दोनों वेरिएबल को दर्शाने के लिए एक और वेरिएबल रहेगा जिसे हम क्या कहेंगे, वे थर्ड वेरिएबल, ठीक है ओके तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा। गिवन x दिया है हमारे पास 3a t² ओके एंड y भी गिवन है हमारे पास y इक्वल टू 2a t³। यहाँ पर x और y इन दोनों वेरिएबल में एक और वेरिएबल है, वेरिएबल t। a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है तो हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है डी बाय डी टी। आप जिस किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वही वेरिएबल कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में, ओके तो यहाँ पर बहुत सारी बार मतलब स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाता है कि हम a को क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग याद रखेंगे जो पैरामेट्रिक फंक्शन है उसमें हम वेरिएबल टी का यूज़ करते हैं या फिर एंगल बताना हो तो हम थीटा का यूज़ करेंगे। इस तरह से हम दो तीन ही वेरिएबल का क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं, ओके तो हमने यहाँ पर लिया है वेरिएबल टी, तो डी बाय डी टी इक्वल टू डी बाय डी टी। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है एक्स, राइट हैंड साइड में वेरिएबल है 3a t², ओके तो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म है वो है 3a t², तो t हमारा वेरिएबल है और 3a कांस्टेंट है और ये तीनों टर्म कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो वेरिएबल के साथ में कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो उसे हम डेरिवेटिव से बाहर लिखते हैं, ओके तो यहाँ पर हम 3a को डेरिवेटिव से बाहर लिख रहे हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ t² ओके अब डेरिवेटिव ऑफ t² इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर
एन वाला, ओके, जो कि हम बहुत बार देख चुके हैं। तो वो फॉर्मूला कैसा है, एन टाइम, तो यहाँ पर एन की जगह है टू टाइम टू रेज टू द पावर टू माइनस वन। अगर आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ फिर से लिख दे रही हूँ। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, ओके, इक्वल टू, थ्री से हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स ए टी, टी के ऊपर पावर में है टू माइनस वन, वन लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी। तो इस तरह से हमें डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू मिल चुकी है, ओके। अब सेम इसी तरह से हम डी वाई बाय डी टी फाइंड आउट करेंगे, तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब कि यहाँ पर डी बाय डी टी आ जाएगा और राइट हैंड साइड में भी डी बाय डी टी, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है टी और राइट हैंड साइड में टू ए टी क्यू, यहाँ पर भी टू ए कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो टू ए ब्रैकेट से, सॉरी ब्रैकेट से नहीं, डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, तो टू ए हमने बाहर लिखा इनटू डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब। अब हम टी क्यूब का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब के लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन वाला। यहाँ पर पूरा वेरिएबल एक्स है, वैसे ही सेम यहाँ पर वेरिएबल क्या है, टी है, तो यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टी हमारा यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस टर्म है क्या, नहीं। डिस्टर्बेंस टर्म कब होता है, जब हम उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते रहते हैं तब, लेकिन यहाँ पर हम टी के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक फंक्शन में इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पर क्या टी का डेरिवेटिव लिखने के बाद और डिस्टर्बेंस टर्म उसे समझकर उसका डेरिवेटिव फिर से डिफरेंशिएट करके जो भी आता है डी बाय डी एक्स कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो ये हमारा 2a जैसे का वैसा d बाय डी टी ऑफ टी क्यू, ये हो जाएगा 3 टाइम t रेज टू द पावर 3 माइनस 1। 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 थ्री ज़ा 6 a t, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमने डी वाई बाय डी टी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लेकिन हमें एग्जाम्पल में क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, डी वाई बाय डी एक्स, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देन by the derivative of parametric
functions we get dy by dx equal to y पहले है ऊपर न्यूमरेटर में, तो पहले हमें ये टर्म लिखना है. फर्स्ट हम इसे लिखेंगे न्यूमरेटर में, कहाँ लिखेंगे इसे, न्यूमरेटर में. और ये जो dx by dt है ये हमारा, जिस पे मैं नंबर टू दे रही हूँ, ये हमारा आएगा डिनोमिनेटर में. कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में. ओके तो ये हो जाएगा dy by dt द होल डिवाइडेड बाय dx by dt इक्वल टू dy by dt की वैल्यू है 6at स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx by dt की वैल्यू है 6at. तो यहाँ से जो भी टर्म कैंसिल हो रहे हैं उसे हम कैंसिल कर सकते हैं. 6 से गेट कैंसिल. न्यूमरेटर में है t का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है t, तो न्यूमरेटर का एक t डिनोमिनेटर के t से कैंसिल हो जाएगा. तो हमने इस तरह से उसे कैंसिल कर दिया. तो न्यूमरेटर में क्या रहा, ओनली t, ठीक है. तो यही है हमारा फाइनल आंसर, dy by dt equal to t. तो इस तरह से पैरामेट्रिक फंक्शन का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. ओके तो इसे अच्छे से नोट डाउन करिए, बार बार यह कंसेप्ट को देखिए, समझिए और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए. तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, उसी के ऊपर बेस्ड है, तो आपको इन्हें ट्राई करना है. ओके फर्स्ट वाले में थर्ड वेरिएबल टी है, तो यहाँ पर आप पहले dx by dt फाइंड करेंगे, फिर dy by dt, फिर आपको मिल जाएगा dy by dx. बी में, एग्जाम्पल बी में वेरिएबल क्या है आपका, थर्ड वेरिएबल थीटा, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा के. सी में भी वेरिएबल थीटा है, ओके तो यहाँ पर भी आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dx by d थीटा और dy by d थीटा. देन डी नंबर पर जो एग्जांपल है उसमें वेरिएबल क्या है, टी, ठीक है, तो यहाँ पर हमें टी के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करना है. ओके आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग.